स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। इंसेक्ट वर्ल्ड के और एक इंटरेस्टिंग इंसेक्ट को देखेंगे आज। पहले आप प्लांट को देखिए, जिस प्लांट पर मुझे ये इंसेक्ट मिला है, ये एमरंथस प्लांट है, जिसको चौली भी बोलते हैं। ये कॉमन सब्जी है जो हम बना के खाते हैं, और उसी के साथ ये इंसेक्ट भी मेरे घर में आ गया है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है इनको, अगर ये हाइपोलिक्सिस स्पीसीज है, जीनस की स्पीसीज है, तो ये स्टेम विविल है, एमरंथस स्टेम विविल, जो हाइपोलिक्सिस जीनस के अंदर एक स्पीसीज है, ट्रंकेटुलस वो हो सकती है मोस्ट लाइकली। बाकी अगर हम विविल की बात करें तो बहुत यूनिक इनकी बॉडी है, जिनसे आप तुरंत इनको पहचान सकते हो। एक बीटल ही है विविल, इतना याद रखिए। विविल बीटल ऑर्डर यानी कोलियोप्टेरा ऑर्डर का ही एक मेंबर है, लेकिन फैमिली इनकी थ्रू विविल्स की होती है, कुरकुलियोनिडे। इनमें सारे विविल्स आते हैं और पहचाने जाते हैं अपने लंबे स्नाउट की मदद से, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो स्टैंड आउट भी करता है इनकी पूरी बॉडी में, और इनको दूसरे इंसेक्ट से अलग भी एक पहचान देता है। विविल्स जीनस हाइपोलिक्सिस को हम देख रहे हैं। आप कॉमनली इनको हाथी भी मान सकते हो इंसेक्ट वर्ल्ड का, क्योंकि एलिफेंट की तरह ट्रंक है इनकी, सूंड है, जो इनको पहचानने में मदद करती है। टेक्निकली इस स्नाउट को जो है रोस्ट्रम कहा जाता है, और ये एक इनका फीडिंग माउथ पार्ट है। बोरिंग करने में मदद करता है प्लांट के अंदर, छेद बनाने में, और बहुत सारे कॉमन इसके निकनेम्स भी इसी वजह से गिरते हैं। क्लासिफिकेशन को देखें, कोलियोप्टेरा ऑर्डर कुरकुलियोनिडे फैमिली, और जीनस मोस्ट लाइकली है हाइपोलिक्सिस। अब ये बीटल क्यों है, क्योंकि बीटल के मुकाबले थोड़ा अलग नजर आता है, लेकिन बीटल की तरह इसमें भी हार्डन फोर विंग्स हैं, जिनको एलिट्रा कहा जाता है, जो इनके सॉफ्ट हिंड विंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है एब्डोमेन के ऊपर। दूसरा, इनका भी माउथ पार्ट जो है वो च्यूइंग माउथ पार्ट है, और इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, यानी एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर एडल्ट। अब विविल जो है एक प्रकार के बीटल है, ये तो हम समझ गए, फैमिली कुरकुलियोनिडे के अंदर, और बहुत अबंडेंट होते हैं विविल्स, बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत डाइवर्सिटी होती है विविल्स की, तो आपको अलग अलग तरह के विविल्स देखने मिल सकते हैं। इनका सबसे यूनिक चीज होती है फीडिंग हैबिट, ये स्टेम पर रहता है प्लांट्स की, अपने होस्ट प्लांट, इनकी जो पर्टिकुलर स्पीसीज जो इनको पसंद है, जिन पर ये फीड करते हैं, उन होस्ट प्लांट पर ज्यादातर समय अपनी जिंदगी का ये बिताते हैं। स्टेम पर मूव करते हुए आपको दिखेंगे पत्तियों पे। जो एडल्ट विविल्स है वही फोलियज पे, स्टेम पे, रूट्स पे फीड करते हैं, बाकी जो लार्वा है वो स्टेम, रूट, इंटरनली ये फीड करता है। ये फर्क होता है। इनका जो स्नाउट है ये खड्डा करने में, बोर करने में मदद करता है, ताकि जो प्लांट के इंटरनल टिश्यूज है वो एक्सपोज हो, और फिर वो उन पर फीड कर सके। एडल्ट पत्तों पर, स्टेम पर, और इंटरनल टिश्यू पर फीड करते हैं। बाकी जो फीमेल विविल्स है वो बोर इसलिए भी करती है, क्योंकि वो उनमें अपने अंडे रखे, ताकि लार्वा जो है एक सेफ एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, प्लांट के अंदर ग्रो कर सके। अब प्लांट के अंदर छेद हो रहा है, उसमें लार्वा जा रहे हैं, तो इससे प्लांट को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से शायद इनको प्लांट के पेस्ट के तौर पर भी देखा जाता है। कुछ बड़ी डैमेज तो नहीं करते, लेकिन ज्यादा इनकी संख्या हो जाए तो प्लांट को नुकसान हो सकता है, इनके इसी फीडिंग हैबिट की वजह से। बाकी बहुत सारे इनके होस्ट प्लांट है, हम जिस जीनस के विविल को देख रहे हैं उसके, जैसे इंडियन प्लम जो होता है, बेर जिजिपस स्पीसीज, वो इनका होस्ट प्लांट है। अब जिस पर मुझे ये मिला है एमरंथस, रेड एमरंथस, वो भी इनका एक होस्ट प्लांट है। ऐसे बहुत सारे आप लिस्ट कर सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर आपको और भी इनके होस्ट प्लांट्स पता है इस जीनस के विविल के। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग इंसेक्ट है जो आपको मैं एग्रीकल्चरल सेटिंग में ज्यादा देखने मिल सकते हैं, क्योंकि क्रॉप्स पर ये हमारी तरह फीड करते हैं। और एक चीज जो मैंने इस विविल के बारे में नोटिस की यहां पर,
कब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन ये उड़ने की कोशिश बहुत कम कर रहा है। इसके पंख मौजूद हैं, एलिट्रा के नीचे छुपे हुए पंख है इसके, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे लगता है चलने में विश्वास रखता है और स्टेम पर मूव कर रहे हैं कब से, और उड़ने की कोशिश बिल्कुल कम ही कर रहा है। जबकि दूसरे बीटल्स जो हम देखते हैं वो उड़ने की कोशिश करते हैं ज़्यादा। विविल्स क्योंकि एक प्रकार के बीटल ही हैं, बीटल ऑर्डर के अंदर एक फैमिली है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि बीटल ऑर्डर कितना अबंडेंट है। ज़्यादातर इंसेक्ट जो हमें मिलते हैं वो बीटल ही होते हैं, और इतनी डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के हैं, इतने डिफरेंट बीटल्स होते हैं दुनिया में। यहाँ पर हमने इस चैनल पर टॉर्टोइस शेल बीटल को देखा है, लेडी बर्ड बीटल देखे हैं, विविल देखे हैं, तो बहुत सारे प्रकार के बीटल होते हैं। हमने एक वाटर स्कैवेंजर बीटल भी देखा था। तो कितना फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग ग्रुप है बीटल्स का।